हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया इलेक्ट्रिक चॉपर जिसमें आप चॉपिंग का और आप इसमें बीटिंग का हर तरह का काम कर सकोगे। और साथ में आपको इसमें नया पता क्या मिल रहा है, इसमें आपको नया मिल रहा है, आप इसमें गार्लिक भी पील कर सकते हो। ये देखिए गाइस, इसका ये 304 ग्रेड स्टील का है कंटेनर, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि लोग मीट ग्राइंड करते हैं, बट जो लोग वेजिटेरियन है वो इसमें कुछ भी चॉप कर सकते हैं, हार्ड चीजें भी चॉप कर सकते हैं और लाइट चीजें भी। और अंदर की तरफ आपको ये जो बाहर का मतलब इसकी स्टैम्पिंग है वो ही दिखाई दे रही है, अंदर से ये बिल्कुल प्लेन है। और अब मैं ये चीज आपको रबर की जो मिली है, ये आपको मिली है कि ये आपका जो यूटेंसिल है ये स्टेबल रहे। और ये गाइस, ये है इसकी मोटर, ठीक है। और इसमें तीन गियर दिए हुए हैं, ये आप अगर सॉफ्ट कुछ भी करना है, और ये अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है कुछ भी, अगर आपने कोई लस्सी वगैरह बनानी है, एग्स बीट करने हैं, तो उसके लिए ये है, ठीक है गाइस। और अब मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने इसमें लस्सी बीट करनी है तो ये आपको इसके साथ मिलता है, लस्सी के लिए, एग्स के लिए, आप कुछ भी, केक का बैटर मिक्स करना है उसके लिए भी आप ये डाल सकते हो। और ये इसके साथ आपको पॉलीकार्बोनेट की लिड मिलती है। और गाइस, आपको एक चीज और बता दूं, ये दोनों चीजें डिशवॉशर सेफ भी हैं, ठीक है। आपने बस इसे ऐसे लगाना है, और लगा के ये इसकी मोटर है, मोटर में भी इसके साथ हैंडल दिया हुआ है, आप देख सकते हो गाइस। और ये जो मोटर है ये 300 वॉट की है और 2 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ये देखिए गाइस, आप इस पे ऐसे डाल दो, एक सेकेंड, ये देखिए आप इसको डाल के कर सकते हैं। और ये इंस्टा कपा की कंपनी से है, ठीक है गाइस। और ये है बी लस्सी बीट करने के लिए। और नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट है ये चॉपिंग के लिए, आप देख सकते हो बहुत ही शार्प ब्लेड है, आप कुछ भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और गाइस, इसमें क्या चीज है कि जब आप ये मोटर यूनिट यूज करते हो ना, तो देखो आप इसे निकाल के रख दोगे, इसमें से कुछ भी गंदा नहीं होगा। जो पहले हम चॉपर यूज करते हैं उसकी मोटर पे यहाँ पे कुछ ना कुछ लग जाता है, पर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगेगा, सब ये चीज आप डिशवॉशर में डाल सकते हो और ये चीज पूरी नीट रहेगी। और उसके बाद जो एंड वाली चीज है, जो सबसे डिफरेंट मिलती है, ये दो चीजें जो मैंने आपको दिखाई है वो तो सब में मिल जाती हैं गाइस, ये हमें मिलता है इसके साथ गार्लिक पीलर, देख सकते हो आप, ठीक है। ये है, सिर्फ इसी ब्रांड में आता है। और इसको आपने ऐसे करके डालना है। अब मैं गार्लिक पील करके आपको दिखाऊंगी भी गाइस। देखिए, अगर आपने क्या करना है, लहसुन को लेना है, और लहसुन को लेके आपने इसको बस सिर्फ ऐसे इसकी जो पीसीज है इसको अलग अलग कर लेना है, और कुछ नहीं करना गाइस, आपने बस ऐसे कर देना है। ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको लगाना है। अब मैं लहसुन आपको इसमें पील करके दिखाऊंगी, ठीक है। ठीक है गाइस, गाइस अब देखो, एक सेकेंड, पूरा लहसुन इसमें पील हो गया, अब देख सकते हो, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। अब गाइस, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, कोई भी आप निकाल के देख लो, ये देखिए पूरे का पूरा पील हो गया, छिल्लड़ जो है वो अलग हो गए और गार्लिक अलग हो गया।
तो है ना, ये जो अप्लायंस मैंने आपके साथ शेयर किया है ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी जो गार्लिक पीलर्स देखे थे वो मैनुअल थे, यही एक अकेला गार्लिक पीलर है जो इलेक्ट्रिकल है, और ये 2-3 सेकेंड्स में ही आपका काफ़ी सारा गार्लिक पील कर देता है। अगर आपने 1 kg तक, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने 1 kg तक गार्लिक को भी पील करना है, वो आप विद इन 2 to 3 मिनट्स में पील कर लोगे। और गाइस, अगर आपको ये अप्लायंस मेरा पसंद आया, ये स्मार्ट अप्लायंस, और आप चाहते हो ऐसे ही यूनिक अप्लायंसेस मैं आपके लिए लेके आऊं, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं आपके लिए ऐसे ही और स्मार्ट अप्लायंसेस लेके आते रहूँगी। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी बताना है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना। गाइज, अब आप देख सकते हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने निकाल दिया है, ये देखिए आप देख सकते हो सारे का सारा जो गार्लिक है वो छिला छिल गया है, देख सकते हो, ये देखिएगा गाइज, गाइज आप देख सकते हो। बस आपने इसके बाद क्या करना है, पानी में डालो और सारा हो जाएगा, ये देखो, ठीक है गाइज। गाइज ये है इसका बॉक्स, आप देख सकते हो, 3 इसमें स्पीड्स हैं, 2 लीटर कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। ये मैंने अमेजोन से लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हो, ठीक है गाइस। इसमें और चीज़ ये है कि गाइस इसमें कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर है, और स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं, पॉलीकार्बोनेट की लेड है, और जो कंटेनर है वो भी 304 ग्रेड की जो स्टील है उसका है। आप देख सकते हो वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट इन फ्यू सेकंड्स ये कर देता है, ठीक है। अच्छा गाइस, उसके बाद जैसे आपने गार्लिक कर लिया ना, तो उसके बाद इसको गार्लिक को चॉप भी आप इसी में कर सकते हो, ठीक है गाइस। और आप इसकी जो कॉस्ट है देख सकते हो, 2500 है। ओके, अगर गाइस आप इसको यूज करो, मंगवाओ अमेजोन से, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर करो। गाइस आप देख सकते हो कि अब मैंने काफी सारा गार्लिक इसमें अलग अलग करके डाल दिया है, और अब मैं इसके बंद करूंगी, और अब ऐसे करके हम इस पे लगाएंगे, ठीक है। अब गाइस आप देख सकते हो, ठीक है गाइस, अब देख सकते हो, अब काफी ज्यादा गार्लिक था, हार्डली मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, आप देख सकते हो।